लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या चीज़ है, उसके भी कुछ ब्रांचेस देखी थी जिसमें हमारे पास कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी, और वो हमने कहा था कि सारी की सारी जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आई। फिर हमने ये देखा कि आप कौन सी सिक्योरिटी सर्विसेज को अचीव करते हैं व्हाइल यू अप्लाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन सर्विसेज पे फॉर एग्जाम्पल था कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज सिक्योरिटी अटैक और इसका की छोटी और टर्म है बहुत सारी जो कि समझनी जरूरी है बिफोर गोइंग इन टू द डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्योंकि एनी एक्शन दैट कंप्रोमाइजेस द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा स्टेप, ठीक है, जो कि कोई भी ऐसा मेथड जिसके जरिए आप जो ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी है उसकी वायलेशन करते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज की वायलेशन करते हैं, ठीक है, या जो इंफॉर्मेशन या जो सेंसिटिव डेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑन करती है आप उसको स्टील करते हैं, फेच करते हैं, ठीक है। Of a threat and attack used to be the same thing. A threat ke a possible danger that might exploit our threat. Threat ke khatra, danger. A, for example, aapko ye threat hai ki aapko jo web server hai jo jisko aap service karte hain us pe denial of service ka attack ho sakta hai, DOS attack. To uske aapko ye threat hai, hua nahi hai. उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देंगे, डिटेक्शन के, प्रिवेंशन की, रिकवरी बनाए। तो थ्रेट क्या है, बेसिकली थ्रेट ये, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रूम को चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सेंसिटिव मटेरियल पड़ा है, मेरे सेंसिटिव सिस्टम रिसोर्सेज पड़े हैं, तो मेरे सबसे पहला थ्रेट क्या है कि मेरे वो सिस्टम रिसोर्सेज चोरी हो सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं, ये थ्रेट है। लेकिन जिस दिन ये थ्रेट वाकई हो गया वाकई तक तो वो ही अटैक बन गया। अब उसकी वल्नरेबिलिटी क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे रूम के जो डोर लॉक्स है वो प्रॉपर ठीक ना हो, या ये विंडोज जो है इनको मैं प्रॉपर शील्ड ना करूँ, या इधर क्योंकि मैसेज अप्लाई ना करूँ, उससे क्या होगा मेरे पास क्योंकि ये थ्रेट है कि मेरा ये जो सिस्टम रिसोर्सेज या कोई भी यहाँ पर चीजें पड़ी हुई है वो चोरी हो सकती है, ये थ्रेट है। लेकिन अगर और अटैक क्या है, एथिकली एन इंटेलिजेंट एक्ट दैट इज डिलिबरेट अटेम्प्ट टू इवेड सिक्योरिटी सर्विसेज एंड वायलेट द सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ द। तो अब अटैक क्या हो गया, जो किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करे, फॉर एग्जांपल थ्रेट ये है कि इस डोर का लॉक खराब है, ये वल्नरेबिलिटी है, सॉरी तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इस रूम पे आ सकता है, और वल्नरेबिलिटी क्या है मेरे पास, इसका डोर लॉक खराब है, ये ग्रुप होल है, ये एक वीकनेस है। अब किसी तरह अगर ये वीकनेस एक्सप्लॉइट हो जाती है, कोई बंदा आके मेरी कोई हार्ड ड्राइव चोरी कर ले जाता है, नाउ दिस इज अटैक। तो अटैक क्या है, बेसिकली अटैक ए डिलिबरेट अटेम्प्ट है टू अवेल सिक्योरिटी सर्विसेज एंड वायलेट सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ ए। अब सिक्योरिटी अटैक्स को दो चीजों में क्लासिफाई किया गया, एक पैसिव अटैक है और एक एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक्स, पैसिव अटैक्स में बेसिकली जो अटैकर है वो पैसिव रहते हैं, पैसिव का मतलब है कि वो अटैक में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता,
इनडायरेक्ट तभी कह सकते हैं, मतलब वो उसका ना मकसद कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना होता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और आप उनकी बात सिर्फ सुन रहे हैं, अगर सिर्फ आप सुन रहे हैं, आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, आप साउंड या वॉइस एनालिसिस कर रहे हैं जस्ट, तो इतने तक ये पैसे नहीं है, क्योंकि आप कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, डेटा को चेंज नहीं कर रहे या कोई रिएक्ट नहीं कर रहे उस डेटा की बेस पे, भैया जो आप सुन रहे हैं उसकी बेस पे। यहाँ पैसिव अटैक्स आर दोज अटैक्स वेयर अटैकर एम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट इज इन टारगेट बट डज नॉट अफेक्ट द सिस्टम रिसोर्सेज। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो इन ट्रांजिट का मतलब होते हैं जो कि ट्रांसफर हो गई, वो ये देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो किसी सिस्टम रिसोर्स को अफेक्ट नहीं कर रहा, सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दो लोग बातें कर रहे हैं या फोन पे बातें कर रहे हैं, जिसमें फोन टैपिंग होती है, आपका फोन किसी ने टैप किया, जैसे आपके घर में दो पीडीसीएल के यूनिट्स है, एक टर्मिनल है, एक मेन पीडीसीएल का फोन है, आपने फोन किया आपके भाई या किसी और जो जले के घर में दूसरे को दूसरा फोन होता पॉइंट है, अब टैपिंग है, वो जो आप बात कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। ये क्या है फॉर एग्जाम्पल, अगर तो वो सिर्फ सुन रहे हैं और बोल नहीं रहा कुछ बीच में पॉडकास्ट में, तो फिर तो वो पैसिव नहीं है, लेकिन अगर वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं उस डेटा के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, या आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको डिसरप्ट करते हैं, उसको खत्म करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो फिर वो एक्टिव, राइट। बिल्कुल अच्छा, ये पैसिव जो अटैक है ये आखिर में आगे जाके क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ये पैसिव अटैक जो है यही आगे जाके एक्टिव हो जाता है। मोटिव क्या होता है, मोटिव यही होता है कि जब उसको उसके मतलब की चीज मिलती है तब जाके वो फॉर एग्जाम्पल क्या करता है, एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है आपका मोबाइल पर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है और आपको नहीं पता, किसी भी मीन से कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ फिजिकल मीन से भी कर सकते हैं, आपका रूममेट है और जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं, आप रात को से शादी को फोन लगा के वो रोज क्या करते हैं, सिर्फ पेन दिन आपकी सब याद है, आपको नहीं पता कि उसने आपकी पेन पे पैटर्न वगैरह देखे हैं, तो रात को जब आप सो जाते हैं वो रोज रात को आपके सारे टेक्स्ट मैसेजेस और इनबॉक्स और भी आ जाए, वो घुसता है और जाता है और देखता है, तो पैसे कर रहा है। अच्छा, पैसे का मतलब ये हार्ड टू डिटेक्ट, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, और आपको पता भी नहीं, आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते जब तक वो कुछ उस कंटिन्यू। अब अगर वो आपके मैसेज को एनालाइज कर रहा है, आपके बाकी उसको देख रहा है, मोबाइल के डेटा को देख रहा है हर चीज को, तो बाद में एक्टिव कब होगा, जब उसको उसके मतलब की चीज मिले उसकी, या और सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल, आपका रूममेट है उसने आपके राउटर हैक किया होगा, आप जो कम्युनिकेशन करते हैं अपने नेटवर्क पे बैठ के, जिससे बात करते हैं, जिस वेबसाइट पे जाते हैं, स्काइप यूज करते हैं, वो सारे ट्रैफिक को क्या कर रहा है, अपने एक सिस्टम पे एनालाइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक टूल है वाइबशार्क, अगर कोई करे इस पे कॉपी करे वाइबशार्क, बड़ा बहुत बड़ा टूल है वाइबशार्क, क्या करते हैं वाइबशार्क, अगर आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें तो आपके सिस्टम की ट्रैफिक बताते हैं कि आपके सिस्टम की ये ट्रैफिक बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में जा रही है, तो बताता है ये फेसबुक की ट्रैफिक है, उसके हेडर में होते हैं सारा, आपको पता है ना डीसीएन पड़ा हुआ है आपके हेडर में सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, हेडर में इंफॉर्मेशन होती है भाई ये आईपी एड्रेस क्या है, किस आईपी एड्रेस पे जा रहा है, फिर आप खुद उसको एनालाइज करते हो ये किसका आईपी एड्रेस है, ये फेसबुक के सर्वर का है, फॉर एग्जाम्पल ये यूट्यूब के सर्वर का है, ये गूगल के सर्वर का है, तो फॉर एग्जाम्पल आप जब ट्रेड क्या कर रहे हैं, आप वाइल्ड शार्क पे आप क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रैफिक एनालिसिस कर रहे हैं। अब उसके मतलब की क्या चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक तो ये दो किस्म के अटैक है, एक है वो सारा दिन आपके मैसेज को चस्के के लिए फॉर एग्जाम्पल वैसे ही एनालिसिस करता रहता है, आपके ट्रैफिक देखता रहता है, यार ये क्रोम पे कितने कौन कौन सी वेबसाइट पे जाता है, ये फेसबुक पे कितने टाइम लॉग इन रहता है, ये स्काइप पे कितने